जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। एवरीवन, नाउ वी स्टार्ट अवर चैप्टर, चैप्टर 4 इन द जियोग्राफी मैप्स। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द डायरेक्शन, विच प्लेसेस आर इन विच डायरेक्शन एंड ऑल द थिंग्स। नाउ वी स्टार्ट अवर चैप्टर। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर, आपने आगे के चैप्टर में ग्लोब के बारे में दिखाई है। हाउएवर ग्लोब इज अ लिमिटेशन, ग्लोब की क्या होती है, ग्लोब की लिमिटेशन होती है। एज वेल ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी पार्ट ऑफ द अर्थ। ग्लोब कब काम आते हैं, जब हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। एंड अबाउट अवर कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेजेस, इट इज़ ऑफ लिटल हेल्प। इन लोग इस सारी चीज़ के लिए यूजफुल है। इन सच सिचुएशन वी ये जो सारी चीज़ें फाइंड करनी होती है, जैसे कि कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेजेस, इसके लिए हमें मैप की ज़रूरत होती है। मैप, नाउ व्हाट इज़ अ मैप? मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। मैप हमें क्या रिप्रेजेंटेशन करता है, अर्थ की जो सरफेस होती है और पार्ट ऑफ ड्रॉन अ फ्लैट सरफेस, जो फ्लैट सरफेस दिखाई होती है वो हमें मैप में दिखा देता है। जैसे मैप में आप लोगों को पता चल जाए कि कौन से रोड पे जाना है, कहाँ कौन सी प्लेस है, वो कहाँ पे है, एड्रेस आप लोगों को फाइंड करना है तो आप कर सकते हो। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन राउंड शेप कम्प्लीटली। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर अ वेरियस पर्पजेस। मैप हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए यूजफुल होता है। वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। एक मैप होता है कि जो हम स्मॉल एरिया लोग फाइंड कर सकते हैं। अनदर मैप में कंटेनर मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक, और बिग बुक में भी मैप आता है। वैन पुट टुगेदर वी गेट एटलास। बहुत सारे मैप ज़्यादा होते हैं तो उसको हम एटलास कहते हैं। एटलास आर ऑफ वेरियस साइजेस। एटलास बहुत सारी साइज के होते हैं। मेजरमेंट्स ड्रोन ऑन द डिफरेंट स्केल्स। मैप प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। मैप हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है ग्लोब से। ओके, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइप्स, सम ऑफ देम आर फर्स्ट फिजिकल मैप्स। अभी ये फिजिकल मैप्स में क्या होता है, फिजिकल मैप्स आर शोइंग नेचुरल फीचर्स लाइक अर्थ सच एज द माउंटेन, प्लेटियर्स, प्लेन, रिवर्स, ओशंस, ये जो सारी चीज़ों के बारे में जो मैप करता है उसको फिजिकल मैप्स कहा जाता है। और जो पॉलिटिकल मैप है, इन द पॉलिटिकल मैप सिटीज, टाउन, विलेजेस एंड द डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर बाउंड्रीज, क्या उसकी बाउंड्रीज के बारे में बोलती है, उसको क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप। नाउ थीमेटिक मैप्स, इन दिस मैप द इंफॉर्मेशन अबाउट द रोड, अबाउट द रोड मैप किसके बारे में होता है, रोड मैप, रेनफॉल मैप, सोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज, ये जो सारी होती है वो थीमेटिक मैप्स में हमें दिखाई देता है। देर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। थ्री कंपोनेंट्स होते हैं मैप्स के, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डायरेक्शन एंड द सिंबल। नाउ वी लर्न अबाउट द डिस्टेंस। मैप्स आर ड्रॉइंग विच रिड्यूस, रिड्यूस मीन्स कम करना, द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट और ऑफ इट टू फिट ऑन अ सीट ऑफ अ पेपर। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस द स्केल। मैप क्या होता है, मैप एक ऐसी होता है कि जिसको हम साइज कम करके एक ही पेज में आ जाए उस तरह से उनको हमको ड्रॉ कर सकते हैं। उससे हमें बहुत सारी जगहों के, प्लेस के बारे में एड्रेस हमें मिल सकता है। बट दिस रिडक्शन इज़ डन वेरी केयरफुली। पर आप रिडक्शन करते हो ना, वो बहुत ही आपको मेजरमेंट और बहुत ही ध्यान से करना होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल, जो रियल होना चाहिए। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन अ पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, देयरफॉर अ स्केल इज चूजन फॉर द पर्पज।
इसके लिए क्या यूज़ होता है, स्केल यूज़ करते हैं. स्केल इज़ द रेशियोज बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन ऑन द मैप. स्केल क्या कहता है, हमें जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है और जो हमने ड्रॉ किया होता है उसके मेजरमेंट के बारे में बताएं. लाइक हियर इज़ अ वन एग्जांपल, लाइक द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल, आपका घर और आपके स्कूल से डिस्टेंस है आपका 10 किलोमीटर. इफ़ यू सो द 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय टू सेंटीमीटर, आपका जो 10 किलोमीटर है वो स्केल से अगर करोगे तो 2 सेंटीमीटर दिखाया जाएगा. 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो ऑन द 5 किलोमीटर. मैप में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर इट मीन्स क्या हो जाता है, 5 किलोमीटर दिखाया जाता है. ओके, नाउ 1 सेंटीमीटर इज अ 5 किलोमीटर. द स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप. सो स्केल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट मेजरमेंट होना चाहिए. इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस ऑन द मैप. यहाँ पे क्या होता है, अगर डिस्टेंस कोई भी टू प्लेसेस के डिस्टेंस आपको काउंट करने हो तो ये सारा देखा जाता है. वेन अ लार्ज एरिया लाइक अ कॉन्टिनेंट्स कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन पेपर वी यूज अ स्मॉल स्केल. ये जो सारी चीज़ें दिखानी होती है तो हम स्मॉल स्केल यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड, इट इज़ कॉल्ड द स्मॉल स्केल मैप. उसको स्मॉल स्केल मैप कहा जाता है. बट अगर हमें विलेज और टाउन है ये जो सारा हमें पेपर में दिखाना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर. तो फिर क्या कहा जाता है, 5 सेंटीमीटर होता है उसको 500 मीटर. यहाँ पर क्या था, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर. सो इट इज़ अ लार्ज स्केल मैप. इन द लार्ज स्केल मैप गिव अ मोर इन्फॉर्मेशन देन द स्मॉल स्केल मैप. लार्ज स्केल इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, मोर इन्फॉर्मेशन मिलती है. ओके, नाउ इन द डिरेक्शन मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विथ अ लेटर एन. बहुत सारे में क्या होता है, एरो होता है. मार्क्ड किससे किया होता है, लेटर एन से किया होता है. ओके, वो कहाँ पे होता है, अपर राइट हैंड कॉर्नर में होता है. धीज एरो शोज द नॉर्थ डिरेक्शन, इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन. सी, अगर आपको नॉर्थ डिरेक्शन एक डिरेक्शन का पता चल गया तो अब आपको और सारी जो डिरेक्शन होती है, ईस्ट वेस्ट साउथ, उसके बारे में तो वैसे ही पता चल जाएगा. देर आर 4 मेजर डिरेक्शन. सी, यहाँ पे जो दिखाया गया है ये विकास, शिला, करीम कहाँ से, वहाँ से आप कौन सी जगह पे जा सकते हो, शॉप कौन सी डिरेक्शन पे, स्कूल, वेल, प्ले ग्राउंड, ट्री, ये कम्युनिटी सेंटर है, ये जो सारी चीज़ें वो यहाँ पे दिखाई गई है. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, दीज आर कॉल्ड द कार्डिनल पॉइंट्स. ये क्या कहते हैं, इसको कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं. द इंटरमीडिएट डिरेक्शन आर साउथ ने साउथ. इंटरमीडिएट जो डिरेक्शन होती है, डिरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट. वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएट डिरेक्शन. इंटरमीडिएट डिरेक्शन मतलब क्या होता है, हियर इज़ द नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट है. अगर ये नॉर्थ एंड वेस्ट के बारे बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट होगा यहाँ पे, एंड इन नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ से साउथ ईस्ट होगा, साउथ वेस्ट होगा. ओके, तो ये जो डिरेक्शन होती है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो ये इंटरमीडिएट डिरेक्शन होती है. अब ये जो सारी चीज़ दी है उनसे यहाँ पे ये दो पैराग्राफ में ये कहा गया है, इन दिस पैराग्राफ लाइक आप विकास, शिला, ये जो सारे उन लोगों के वहाँ से आप लोग डिरेक्शन फाइंड कर सकते हो. हियर इज़ अ वन कंपास. कंपास का मीनिंग क्या होता है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट से आप लोग मेन डिरेक्शन फाइंड कर सकते हो. जो ये नीडेड होती है ना, वो टूवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ डिरेक्शन में ऑलवेज पॉइंट करती ही रहती है. नाउ वी स्टार्ट सिम्बल. सिम्बल क्या है, इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मैप. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज. हम मैप में एक्चुअल शेप एंड साइज तो नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि जहाँ पे जो सिम्बल है तो हम तो हमें वो सिम्बल से ही दिखाना पड़ेगा. एक्चुअल शेप साइज कहाँ से लाएंगे, डिफरेंट फीचर्स सच एज अ बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, ट्रीज, ब्रिज, ट्रीज, रेलवे लाइन, ये जो सारी होती है वो हम वहाँ पे तो कुछ दिखाने के लिए कुछ ना कुछ सिंबल तो यूज़ करना ही पड़ेगा. दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स. लेटर्स यूज़ होते हैं, शेड्स यूज़ होते हैं. तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लेटर्स यूज़ करते, शेड्स यूज़ होते, कलर्स, पिक्चर्स एंड द लाइन्स, ये जो सारी चीज़ें होती है वो इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए यूज़ होती है. पर क्या होता है, दिस सिंबल्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस. स्पेस होती है वो लिमिटेड मिलती है. विद द यूज़ ऑफ दिस सिंबल मैप्स कैन बी ड्रॉन इजीली आर सिंपल टू रीड.
इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज, अगर आपको लैंग्वेज नहीं पता है और अगर आप कोई भी एरिया में हो तो आप किसी को भी अगर किसी को कुछ पूछ नहीं सकते हो तो आप लोग ये मैप से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो. ओके, मैप्स है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज, मैप्स के पास क्या है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है. देर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ द सिम्बॉल, दीज आर कॉल्ड द कॉन्वेनेंटल सिम्बल्स. इसको क्या कहा जाता है, कॉन्वेनेशनल सिम्बॉल कहा जाता है, कि ये जो सारा है वो मैप में सारी जगह पे दिखा जाता है. जैसे देखो यहाँ पे रेलवे लाइन है तो जो ट्रैक होते हैं रेलवे ट्रैक के लिए बताया गया है. फिर रोड के लिए ये जो डबल लाइन होती है डॉट 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 वाली लाइन होती है, बाउंड्री पे लाइन डॉट ये सारा है. जो रिवर के लिए ये जो वाटर होता है वो ब्लू कलर में दिखाया जाता है. टेंपल की साइन होती है, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये जो सारे जो होते हैं. ट्रीज के लिए ग्रीन कलर का दिखाया जाता है. ये जो सेटलमेंट है उसके लिए रेड यूज़ करते हैं. तो ये जो सारे वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पजेज. फॉर द एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें, ब्लू इज़ यूज फॉर द शोइंग द वाटर. ब्लू कलर वाटर के लिए यूज, वाटर बॉडीज के लिए यूज़ होता है. ब्राउन होता है वो माउंटेन दिखाने के लिए होता है. येलो होता है वो प्लेटिया एंड ग्रीन प्लेन्स के लिए यूज़ होता है. नाउ हियर इन दिस फिगर सी, यहाँ पे जो ट्रैक दिखाया गया है, रेलवे लाइन दिखाई गई है, वाटर होता है वो, यहाँ पे रिवर है तो ब्लू कलर का पानी दिखाया गया है, टेम्पल है, ग्रास है, स्कूल है, ये जो डॉट 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 वाली लाइन से भी वो सिंबल है. नाउ वी सी द स्केच. स्केच क्या है, स्केच इज अ ड्रॉइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नोट टू स्केल, समटाइम्स अ रफ ड्रॉइंग. रफ ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, अगर आपको कुछ भी ड्रॉ करना हो, अगर आपको आपके फ्रेंड के घर पे जाना हो तो आपका फ्रेंड आपको जैसे रफ ड्रॉइंग करके बोलते हैं ना कि पहले यहाँ पे आना, फिर वो स्ट्रीट में जाना, वो स्ट्रीट वो है वहाँ से आप लेफ्ट आ जाना, राइट आ जाना, तो वो रफ ड्रॉइंग करते हैं, उसको स्केच कहा जाता है. सपोज यू वॉन्ट टू गो योर फ्रेंड्स हाउस, आप आपके फ्रेंड के घर पे जाना चाहते हो, यू डोंट नो द वे, आपको रास्ता नहीं पता है, योर फ्रेंड में मेक अ रफ ड्रॉइंग, वो आपको रफ ड्रॉइंग बना के देगा, तो ये जो होता है इसको स्केच मैप कहा जाता है. नाउ प्लान. प्लान इज़ अ ड्रॉइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल. प्लान क्या होता है, एक ऐसा ड्रॉइंग होता है वो जो स्मॉल एरिया होता है ना उसमें लार्ज स्केल खाता है. और लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. लार्ज स्केल क्या होता है, लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट देर आर अ सर्टेन थिंग्स विच मे समटाइम्स वॉन्ट टू नो. फॉर एग्जाम्पल, द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ अ रूम. आपको लेंथ एंड ब्रीथ लेनी है रूम की, विच कैन बी सोन दो, वो मैप पे नहीं दिखाते. एट दैट टाइम वी कैन रिफर अ ड्रॉइंग्स इज कॉल्ड अ प्लान. तो हमें क्या बनाना पड़ता है, उसके लिए प्लान बनाना पड़ता है. ओके, नाउ इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द मैप एंड हियर इन द लेट्स डू एक्टिविटी वी सी वन टाइम. लाइक इन दिस लेट्स डू, जो आपको फिगर 1.1 में जो दिखाया गया है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कि जैसे आपको ये दिखाया गया है कि देर इज़ अ स्केल, वहाँ पे एक स्केल है, इट मे बी यूज्ड फॉर मेजरिंग. आपको डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है. फॉर एग्जांपल, द डिस्टेंस बिटवीन द वेल जो ट्री का 5 सेंटीमीटर है, इट मीन्स वहाँ पे 50 मीटर्स होगा. जो डिस्टेंस बिटवीन पोस्ट ऑफिस टू करीम्स का हाउस है, तो ये जो सारा है ना यहाँ पे ये फिगर में दिखाया गया है, उसके हिसाब से वहाँ पे दिया गया है. ओके, नाउ चैप्टर इज़ फिनिश्ड, होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.